हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज मैं आपके लिए काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आज आपको देना चाहती हूँ। DRDO CAPTA 09 का ये जो DRDO मैं अभी लेके आई हूँ, जो पहले एग्ज़ाम हुआ है, उनकी मैं इन्फॉर्मेशन आज देने वाली हूँ। जो अभी परीक्षा होने वाला है ANA वाला का, उनका मैं नहीं बता रही हूँ कि जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है उनके रिजल्ट को लेके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लिए बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए लेके आता है। छोटे से लेके बड़ी तक के सारे इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है, कट ऑफ क्या होगा। प्लस आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बताता, उसको अचीव करने के सारे आपको एडवाइस, सजेशन, हर चीज़ ही आपको प्रोवाइड करता है। प्लस अभी आपको अगर किसी सब्जेक्ट का, किसी एग्ज़ाम का PDF फाइल नोट्स चाहिए, तो ये भी स्मार्ट नौकरी चैनल आपको आप मेल करना है। आपको उस मेल ID पे आपको अच्छे तरीके से पूरा PDF फाइल में आपको नोट्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा। तो पूरी तरीके से कोशिश करता है ये स्मार्ट नौकरी चैनल कि स्टूडेंट की सारी हेल्प ये कर सके, स्टूडेंट को एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ सके। तो चलते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ एग्जैक्ट, वो यहाँ पे ये है कि DRDO CAPTA 09 का जो एग्ज़ाम परीक्षा हो चुका है, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट को लेके काफ़ी टेंशन में आ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पहले तो ऑलरेडी देखो, रिज़ल्ट का कब आएगा तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया, वो आप उसमें देख सकते हो। यहाँ पे बात मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने वाली हूँ। 18% बच्चों से, बहुत लोगों से बात किया है, हमारे कुछ क्लासेस के खुद के बच्चे बहुत सारे हैं, तो 80% बच्चों से पता चला परीक्षा कठिन गया है। देखो, आप सबको पता है कि DRDO का एग्ज़ाम 1 या 2 दिन, काफ़ी दिनों तक चलता है, तो कुछ बच्चों के सारे पेपर्स तो सेम आने वाले यहाँ पे है नहीं। ठीक है, शायद जो फर्स्ट दिन का एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा इजी होगा, दूसरे वाला दिन पेपर वाला थोड़ा हार्ड होगा, तीसरे दिन वाला थोड़ा सा और हार्ड होगा। क्योंकि देखो, पहला जब कोई पेपर्स बनता है ना, थोड़ा ईजी बनता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में पहले थोड़ा देखता है कि कैसा क्या है, कैसा रिएक्शन होता है बच्चों का। उसके बाद सेकेंड पेपर थोड़े हार्ड होते हैं और उसके बाद हार्ड होते हैं, या फिर एकदम से इजी हो जाते हैं। वो तो एग्जामिनर के मोड पे, हर चीज़ पे डिपेंड्स है कि वो किस तरीके से पेपर्स बनाते हैं, बट तरीका यही होता है। ठीक है, तो कुछ बच्चों से पता चला कि हमारे पेपर्स थोड़े से ज़्यादा हार्ड आए हैं मैम, जो पहले वाले बच्चों के, हम लोगों ने थोड़ा उनसे बात किया उनके क्वेश्चन किस तरीके से हैं। तो देखो, जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो नॉर्मलाइजेशन होता ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिन सबका परीक्षा हुआ नहीं है, सबके परीक्षा एक ही परीक्षा हर एक एक अलग अलग दिन हुए हैं। ठीक है, जब अलग अलग दिन हुआ है तो पेपर्स भी अलग अलग ही आया होगा। यहाँ पे जब पेपर्स अलग अलग आया हो तो सारे पेपर्स इजी हो, सारे पेपर्स एक ही, मतलब बोलते ना एक ही रफ्तार में, एक ही नॉर्मल तरीका, एक ही इजी आया हो, ऐसे तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन को रखा जाता है कि किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत ना हो। जो बच्चे का पेपर यहाँ पे कठिन आया था, जिस फील्ड में बाद में वो खुद भी पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हाँ, ये फील्ड वाला जो इस दिन का परीक्षा हुआ था वो पेपर हार्ड गया था, तब जाके जो पेपर्स हार्ड गए हैं उसका पूरा परसेंटेज निकालते हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, उस तरीके से निकालने के बाद वो बताते हैं कि कितना नंबर इसमें हमें देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नंबर हमें कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे यही बताया, जानिए नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे होता है। तो जो पेपर्स कठिन जाते हैं वहीं पे नॉर्मलाइजेशन होता है। किस बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो आप सबको पता है, मैं आपको बता दूँ, जो पेपर्स कठिन गए हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, आप अभी ये जो एग्ज़ाम वापस होने वाला है 17 से 23 नवंबर को, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है DRDO का, आप सबको पता है 17 से लेकर 23 तारीख तक कम से कम सब दो दो शिफ्ट रोज बैठेगा, तो क्या सारे पेपर्स इजी आने वाले हैं क्या? इसमें से जो 18 तारीख होगा, 19 तारीख होगा, वही पेपर थोड़े से हार्ड आएंगे। मैं एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो 18-19 वाले पेपर अगर हार्ड आए, वापस 20 से लेकर 23 वाले पेपर हार्ड आए, तो जो जो पेपर्स हार्ड आते हैं उसको वो साइड में रखते हैं, फिर इजी वाले पेपर्स का वो अलग से ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इजी वाले पेपर्स कितने गए हैं, कितने बच्चे बैठे हैं, हार्ड वाले पेपर में कितने बच्चे बैठे हैं, तब दोनों का परसेंटेज एवरेज निकालने के बाद वो बोलते हैं कि जिसका कठिन ज़्यादा गया उनको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स देना है, जो इजी गया है उनको थोड़े से 1-2 मार्क्स मिलते हैं, बाकी जिसका पेपर कठिन गया हुआ रहता है उनको 4 या 5 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन पे मिलता है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग, कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता क्या है और किस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिलता है, जिसके पेपर यहाँ पे कठिन गए होते हैं, जिस डेट का पेपर्स कठिन जाता है उसको अच्छे मार्क्स यहाँ पे, थोड़े मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं।
और नॉर्मलाइजेशन क्यों रखा जाता है ये तो मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन बता दिया। मगर अब देखो, अब यहाँ पे जो बच्चे मतलब कमेंट्स वगैरह सब लोग बच्चे यही बोलेंगे कि मैम अगर हमारे पेपर आसान गए तब तो हमारे साथ गलत हो रहा है कि हमें कोई नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं मिला है। देखो स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी डिपार्टमेंट का बड़ा हेड, जो टीचर्स, जो भी कुछ होते हैं, वो किसी भी बच्चे के साथ यहाँ पे गलत नहीं करते हैं, ठीक है। जो रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम होता है वो किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। जो सिस्टम पे होता है ये सिस्टम वाइज होता है। यहाँ पे हम पेन या पेंसिल से उठा के सबको मार्क्स नहीं दे रहे, 2 मार्क्स दे दिया, 3 मार्क्स दे दिया। जो नॉर्मलाइजेशन निकल गया था वो सिस्टम पे निकल गया आता है, और सिस्टम में उनका अलग से कैलकुलेशन होता है, परसेंटेज होता है, वो सब वो डाल के नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन निकलता है कि जिन बच्चों का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था इसमें इतने बच्चे बैठे हैं, तो इन सारे बच्चों को कितने मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स देना चाहिए। जो बच्चे के पेपर आसान गए उनको 2 मार्क्स देने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया जाता है। यहाँ पे किसी के साथ गलत सही ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ यहाँ पे नॉर्मल होता है। जिसके साथ भाई जिसका कठिन पेपर आया तो उसके लिए भी तो यहाँ पे गलत ही हुआ ना, बट नॉर्मलाइजेशन देने के बाद उनके साथ भी एक तरफ से देखा जाता सही हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन, पूरा लेटेस्ट सब कुछ बता दिया, नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग, मार्क्स, सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो सबको कम से कम, जो कुछ बच्चों का पेपर आसान गया उनको कम से कम 3 नंबर मिलते हैं, जो बच्चों का पेपर हार्ड गया था उनको 4 से 5 नंबर मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।